शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दूसरी शादी? जी दादा हुजूर। हम दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे सकते। नहीं दादा हुजूर, ऐसा मत कहिए। खुदा के लिए हाँ कर दीजिए, वरना हमारे सारे ख्वाब जल जाएंगे। हमारी झोली में वो खुशियाँ डाल दीजिए जो इनकी दूसरी बीवी की औलाद से मिलेंगी। हाँ कर दीजिए दादा हुजूर, हाँ कर दीजिए। हाँ कहने का हक हमारा नहीं, तुम्हारा है। सिर्फ तुम्हारी इजाजत से ही ये शादी हो सकती है। हाँ दादा हुजूर, हमारी इजाजत है, हमारी इजाजत है दादा हुजूर। अल्लाह तेरे जैसी बेटी हर घर में पैदा करे। उम्र दराज हो। आओ असलम आओ। मामू जान, ये असलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 वाह। अरे भाई, शक्ल देखी तो यकीन आया कि हमारी भांजी क्यों दीवानी हुई फिर रही है। मैं नगमा का मामू अजगर, अजगर खान, और ये नगमा की मुमानी जान। जी मैं ये भाई, तुम्हारे बोलने से पहले ही हमें ये रिश्ता कबूल है, फकत तुम्हारी हाँ का इंतजार है बस। नगमा का हाथ मांगने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी रुखसार माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं नगमा का हाथ मांगने आया हूँ। असलम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नगमा, नगमा मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो नगमा। वो क्या समझेगी असलमिया, मैं समझ गया। तुम समझी? बिल्कुल समझ गई। हमारी भांजी की तकदीर में नंबर 2 ही होना लिखा है। ये इसे बीवी नहीं सौतन बना के रखेंगे। अरे नंबर 2 और सौतन तब बनेगी जब निकाह होगा। असलमिया, तुम्हारी बीवी में नुक्स है, इसलिए वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती ना। जी हाँ, दुनिया भर के डॉक्टर्स की यही राय है। और तुम्हारे बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है? जी मेरे बारे में? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी नहीं, आप मुझे पागल लगते हैं। जी जी, शादीशुदा होके भी हमारी भांजी का हाथ मांगने चले आए। अजी, जानबूझकर हम अपनी भांजी की खुशियों का गला कैसे घोट दें? नहीं असलमिया, नहीं। नगमा अब तुम्हारी शरीर के हाथ नहीं बन सकती। भांजी, इससे कह दो कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। लेकिन मामू जान, मैं असलम की मोहब्बत को भुला नहीं सकती। अब चाहे वो मुझे जिस हाल में भी रखे, मैं रह लूंगी, चाहे बीवी बनाकर या सौतन बनाकर। सौतन नहीं नगमा, तुम मेरे दिल की मलिका बन के रहोगी। सिर्फ जबान से कह देने से क्या होगा? आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मियां, आज जमाना सिर्फ बातों पर यकीन करने का नहीं है, लिखा पढ़ी का जमाना है। तुम इसके दिल पर अपनी मोहब्बत का जादू चला चुके, उसे तो हम मिटा नहीं सकते, पर इसके आने वाले कल को संवारना तो हमारा फर्ज बनता है ना। मामूजान, आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तो बरखुरदार, हमारी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मामूजान। शादी के बाद तुम्हारी सारी जायदाद की वारिस मेरी भांजी की होने वाली औलाद होगी। बाबूजान, ये कैसी शर्त रख रहे हैं आप? बेटी, ये सब तेरी खातिर कर रहा हूँ। अरे तुझे अभी दुनिया की ऊंच नीच का क्या पता नगमा? ठीक कहती है तेरी ममानी जान। बाबूजान, अगर सब कुछ मेरी औलाद के नाम हो जाएगा तो फिर रुखसार के नाम क्या रह जाएगा? ये सोचना हमारा काम नहीं है बेटी। हम तो तेरी सिक्योरिटी चाहते हैं, ताकि कल शादी के बाद कहीं तुझ पर या तेरी औलाद पर किसी किस्म की तकलीफ ना आए। क्यों असलम, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? जी हाँ, मुझे सब मंजूर है। मंजूरी सरकारी कागजात पर होगी। तुम्हारे दादा हुजूर, तुम्हारी बीवी रुखसार और तुम उस पर दस्तखत करोगे कि तुम्हारी सारी जायदाद की हकदार सिर्फ नगमा की औलाद होगी। ये किन शर्तों पर रिश्ता मंजूर कर रहे हैं आप लोग? ये सब गलत है। परेशान मत हो नगमा, मुझे तुम्हारी खातिर हर शर्त मंजूर है। अजगर है मेरा नाम, मैं डसता नहीं निकल जाता हूँ। क्या ये हवेली, सारी जायदाद, कारोबार, रुपया, पैसा सब नगमा के होने वाली औलाद के नाम किया जाएगा तब ये शादी होगी? जी दादा हुजूर। बेटे, शादी ब्याह के रिश्ते शर्तों पर नहीं रखे जाते। शर्तों पर होने वाली शादी हमें कतई मंजूर नहीं। नहीं नहीं दादा हुजूर, ऐसा मत कहिए, वरना घर आई खुशियाँ लौट जाएंगी। खुशियाँ नहीं बेटी, हमें तो बर्बादी की आंधियाँ आती नजर आ रही हैं।
नहीं दादा हुजूर, अल्लाह न करे इस हवेली पर कभी कोई आफत आए। बेटी, तूने अभी दुनिया देखी नहीं है और हमने आसमान का बदलता रंग देखकर आने वाले तूफान का अंदाजा लगा लिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा दादा हुजूर, हम पर यकीन कीजिए, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस हवेली की खुशियों को आग नहीं लगने देंगे। दादा हुजूर, दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि अब नगमा मुझसे अलग नहीं और ना ही उसके होने वाली औलाद मुझसे जुदा है। हम सबके जिस्म अलग अलग जरूर हैं, मगर जान एक ही है। आपको हमारी कसम दादा हुजूर, दस्तखत कर दीजिए। रुखसार, हम तुम्हारे कहने से दस्तखत किए देते हैं, मगर याद रखना यह जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शुक्रिया दादा हुजूर। ये लो, हम सबने खुशी खुशी ये पेपर साइन कर दिए। नगमा, इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगी मुझे? हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाने का हक, तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाने का हक। बोलो नगमा, ये हक दोगी मुझे? हाँ हाँ जरूर। स्टेज पर जाने का वक्त आ गया नगमा। चलो नगमा।
चाय पीजिए ना। असलम साहब, पूरे 2 महीने हो गए, घर चलने का इरादा नहीं है क्या? अरे घर कैसे जाए जाने मन, हम तो घर जाकर किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जानू? दादा हुजूर को परदादा बनने का शौक है, और हम 2 बीवियों के शौहर होकर अभी तक बाप नहीं बन सके तो उन्हें परदादा कैसे बनाए। अब देखिए ना, हमारी कोशिश तो जारी है, ये बात और है कि अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। हंसने की वजह? हंसने की वजह जानना चाहते हो तो फिर मिठाई खिलानी होगी। फिलहाल तो आप किसी से मुंह मीठा कर लीजिए और बताइए बात क्या है। तो फिर घर चलने की तैयारी कीजिए, असलम साहब आपकी कोशिश कामयाब हुई। सच? सच सच? हाँ हाँ, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। दादा हुजूर, अब इस हवेली को रोशनियों से सजा दीजिए, गरीबों में खैरात बांटिए, जश्न मनाइए, मेरी बहन माँ बनने वाली है। हाँ बेटी, बड़ा शानदार जश्न मनाएंगे। आइए आप लोग तशरीफ रखिए। जी हम खड़े ठीक हैं। क्यों भाई, कुछ खफा हो किसी से? नवाब साहब, हम नहीं चाहते कि हमें खून के आंसू रोना पड़े। साफ साफ लफ्जों में कहिए, कहना क्या चाहती हैं? नवाब साहब, अभी अभी हमारी भांजी की गोद भरी है, हम नहीं चाहते कि वो गोद उजड़ जाए। कैसी मनहूस बात करती हैं आप। सुनने में बात जरा कड़वी है नवाब साहब, मगर है सच। अगर बांझ का साया किसी हामला औरत पर पड़ जाए तो वो हमल जाया हो जाता है, और आपकी बड़ी बहू एक बांझ है। लगाम दो अपनी जबान को। मगर बदकिस्मती की लगाम को कौन खींच सकता है नवाब साहब? अगर इस बांझ का साया पड़ने से मेरी नगमा और इसका बच्चा मर गए तो? मामू जान, आप ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं? दकियानुसी बातों में ही सच्चाई छुपी होती है। हमारे मोहल्ले में 2 बहनें थी, बड़ी बहन बांझ थी और छोटी बहन माँ बनने वाली थी, मगर उस बांझ का साया पड़ने से छोटी बहन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और अपने बच्चे के गम में बेचारी खुद भी चल बसी। बंद करो ये घटिया बातें, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। ओहो, आपके मानने या न मानने से कुदरत थोड़ी मान जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ नवाब साहब कि नगमा के बच्चा होने तक रुखसार का रहने का इंतजाम इस हवेली से बाहर कहीं कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अजगर साहब, हमारी बर्दाश्त का इतना इम्तहान न ले कि हम तैश में आकर ये भी भूल जाएं कि हम इंसान हैं। रुखसार इस हवेली की पहली बहू है, उसे इस हवेली से हमारे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी कोई नहीं निकाल सकता। हाँ ठीक है ठीक है, आप खफा मत होइए नवाब साहब, हम तो सिर्फ आपके आने वाले पोते की जिंदगी की हिफाजत के लिए कह रहे थे। हाँ अगर रुखसार इस हवेली से बाहर नहीं रह सकती तो बच्चा होने तक नगमा और असलम हमारे साथ नगमा के घर में रह सकते हैं। जिसे जहाँ रहना है रहे, मगर रुखसार इसी हवेली में रहेगी। चलो नगमा बेटी, अपने घर चलो। रुक जाओ नगमा, मैं अपने अबू जान के घर चली जाऊंगी। छोड़ो 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 मेरी भांजी को, उन्हें मेरे सारे ख्वाब जल जाएंगे। चलो नगमा, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ, मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ। चलो ममानी जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नगमा, जो हम कहते हैं वही करो, तुम्हें इस हवेली का वारिस जिंदा पैदा करना है। चलो असलमिया। असलम, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ। मामू जान, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन बच्चे को रुखसार की नजर नहीं, दुआएं लगेंगी। आप जज्बाती हो रहे हैं असलमिया, जज्बात की रौ में बहकर अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की रिस्क मत लीजिए। हाँ असलम, मामू जान ठीक ही कह रहे हैं। रुखसार, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर ये बात सच हो गई तो जिंदगी भर के लिए तुम पर एक तोहमत लग जाएगी। इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, ये दिन भी गुजर जाएंगे, और फिर हमारे घरों के बीच फासले हो जाने से हमारे दिलों के बीच फासले थोड़ी हो जाएंगे। असलम, घर चलो। नहीं असलम,